26वां प्रश्न है, यूक्लिड की भाग विधि द्वारा दी गई संख्याओं का मास ज्ञात करो। 196 और 32,220 संख्या है, तो हम ये देखेंगे दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या है 38,220, वो हम यहाँ लिखते हैं इस विधि के अनुसार, और छोटी वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं। अब हम यहाँ पर भाग देते हैं साइड में, तो यहाँ साइड में हम भाग दे के रखते हैं 38,220, 196 से भाग देते हैं, 196 आ जाता है। अब यहाँ पर हम घटाते हैं, तो यहाँ 6 बचता है, यहाँ 7 हो जाता है, 17 में से 9 गया तो 8 बचता है, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा। उसके बाद हम 2 उतार देते हैं, और फिर कितना बार जा सकता है, लगभग इसका 1900 होता है, 1800 यानी कि 9 बार जा सकता है, तो 9 बार हम पढ़ के देखते हैं, तो 9 बार में 1764 आता है। तो हम यहाँ घटाते हैं, यहाँ बचता है 8 और यहाँ बचता है 9, ऊपर से 0 उतारते हैं और 5 बार पढ़ते हैं तो हो जाता है 980। तो यहाँ पर कितनी बार भाग दिया है, 195 बार, शेष क्या बचा है तो 0, जो शेष आता है उसको यहाँ लिखते हैं। इस तरह से हम इसका मासा लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में किससे भाग दिया आपने, तो सबसे लास्ट में हमने भाग दिया 196 से। तो इस तरह मासा कितना है, तो 38,220 और 196 बराबर लास्ट में हमने जिससे भाग दिया और से 0 आता है, वो हमारा मासा हो जाता है न्यूक्लिड की विधि से।